अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जो कि उक्त व्यक्ति घटना पर मौजूद होते हुए निखिल ने तलवार से कपिल को मारा। जो घटना आरोपीगण द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट मेरे भाई विक्रम सिंह द्वारा 17/8/2023 को अभियुक्त आरोपीगण अभी यहाँ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय क्या कुछ शिकायत लेके पहुंचे हैं। अभी आप एसपी साहब से मिले भी हैं। एसपी साहब के पास में आए आवेदन दे रहे हैं। हाँ, हमारा सारा उनके ऊपर धारदार हथियार से अत्याचार हुआ और हमारी सुनवाई नहीं हुई। मेरे भाई का नाम भी नहीं लिखा राधे श्याम का, इसीलिए आया। कितने लोग घायल हैं आपके परिवार के? 6 लोग। कौन कौन घायल हैं? राधे श्याम, घनश्याम, नरेन, अनिल, विजयन। हाँ, और कपिल। अच्छा अच्छा, क्या महिलाएं भी घायल है क्या? महिला घायल नहीं है। अच्छा, क्या किस बात के लिए विवाद हुआ था? ये इंडियन कोर्ट। कहाँ पे है जमीन ये आपकी? बाईपास रोड पे संकट वार्ड नंबर 3। अच्छा, किन लोगों ने मारा कुटी करी है, तलवारबाजी करी है? ये धाकड़ समाज में। कुछ नाम मालूम है क्या उन लोगों के? लाल सिंह और राजन, मुकेश। अच्छा, और लीला भाई। अच्छा, और रेखा भाई। अच्छा, कितने लोगों ने मारपीट की थी एक साथ? कितने लोगों ने मारपीट की थी एक साथ? 6 लोगों ने एक साथ मारपीट की। अच्छा, तो थाने पे वहाँ गए थे तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई क्या? नहीं सुनवाई हुई, रिपोर्ट तो नाम तो नहीं लिखा सर उनके। अच्छा, तो अभी वहाँ पड़े हुए अस्पताल में मैं पुलिस प्रशासन से कहता हूँ तो मेरे को बाहर निकाल जाके नहीं, पहले रिपोर्ट लिखा जिसके बाद में इसको उनको रिफर करेंगे। नीचे पड़े हुए ट्रीटमेंट भी नहीं किया। अच्छा, गाड़ी तगा दी थी हमको सर, कावट गाड़ी से लाए हैं उनको हम। वहाँ रहता थोड़ी देर नहीं संभालते तो मर ही जाते हो। अच्छा, तो फिर अभी आप एसपी साहब से मिले, क्या कुछ बोला उन्होंने? उन्होंने क्या कि हाँ हम सुनवाई करेंगे, तुम्हारी कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम सर। आप जो घायल हैं उनके कौन लगते हैं? उनको दो तो लड़का है, बड़ा भाई हूँ। अच्छा, दो आपके लड़के हैं और आपके छोटे भाई हैं? 3 भाई हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप लोग? पहुँचे हैं, आपने अधिकारी चर्चा भी की, क्या कुछ विषय लेके पहुँचे हैं यहाँ पे और कहाँ से आए पाए हैं सब लोग? जी, 17 तारीख की घटना थी, हमारे परिवार के कुछ सदस्य थे जिन पर अन्य सामाजिक लोगों ने धर्मदार हथियार तलवार से उनके ऊपर हमला किया, जिसमें परिवार के सभी सदस्य उसमें घायल हो चुके हैं, जिनका फिलहाल अभी इलाज चल रहा है जिला मुख्यालय अस्पताल में। हमारी विशेष मांग ये थी कि जो आरोपी हैं मुख्य, वो अभी भी खुले घूम रहे हैं, ना तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई थी और ना उनके ऊपर कोई ऐसी धाराएं लगाई गई जिससे उनको अंदर किया जाए। हमारी विशेष मांग ये है कि हमको न्याय मिले और हमारे जो परिवार के सदस्य उनको भी न्याय मिले और जो आरोपी हैं उनके ऊपर धाराएं लगाई जाएँ। अच्छा, एक कहाँ पे हुआ था विवाद और क्या कुछ कारण रहा था विवाद का? ये था खेत की मेड़ के ऊपर ये विवाद हुआ था, जिसमें सामने वाले पक्ष ने तलवार से हमारे व्यक्ति क्या गए थे, खेत बकरने गए थे ट्रैक्टर से, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने उनके ऊपर चिल्ला चोट करिए, बोले तुम हमारी मेड़ की खेत की मेड़ क्यों बकर रहे हो। इसमें क्या हुआ कि विवाद बढ़ता गया, फिर उन्होंने क्या करा कि तलवार लेके आए और जो व्यक्ति हमारे वहाँ जाते रहे उनके ऊपर तलवार से हमला करते गए। कितने लोग घायल हैं इसमें? ये सोनकच के मेन हाईवे की घटना है, सोनकच से लगा हुआ खेत था उनका, हाईवे से लगा हुआ खेत था। कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें करीब 6 लोग घायल हैं, जिसमें एक 17 वर्ष का बच्चा भी है जो कि सिर्फ वहाँ अपने अत्याचार जो हो रहा था उसको देखने के लिए अपने परिवार को बचाने के लिए गया था, लेकिन इन लोगों ने उस नाबालिग बच्चों को भी नहीं बख्शा और उसके ऊपर भी तलवार से हमला किया। अच्छा, जिन लोगों ने विवाद किया है, हमला किया, इनके पूर्व में भी कोई अपराधी प्रकरण दर्ज है? हाल ही में पहले भी वो 2-3 बार जेल काट चुके हैं इस ऊपर और उनका अन्याय हमारे ऊपर बंद होता नहीं जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, अभी आपने अधिकारी चर्चा की, क्या कुछ बोला उन्होंने? हमारे एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही आप पर वहाँ के सोनकच के TI साहब को हम बोलेंगे कि आप पर जो घटना घटित है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और आपको न्याय मिलेगा, ऐसा आश्वासन दिया है। लेकिन मैं
समाज की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमको न्याय नहीं मिला है तो हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका परिचय? मैं दीपक कुशवाहा, जिला अध्यक्ष कुशवाहा समाज, जिला देवास।